हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं 26 अगस्त को जन्माष्टमी का महामहोत्सव है, तो हम इस्कॉन भुज जो है इस बार बहुत ही भव्य तरीके से इस जन्माष्टमी का महामहोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो हम आप सभी लोगों को जो है रिक्वेस्ट करते हैं, सभी भुजवासियों से विनंती है कि आप सब लोग जो है इसमें भाग लेने के लिए ज़रूर आइए। ये भगवान का जो जन्मोत्सव है ये बहुत ही विशेष है। हालांकि भगवान का जन्म कभी नहीं होता है, भगवान के कोई माता पिता भी नहीं है, ना तो भगवान का मृत्यु होता है ना भगवान का जन्म होता है, लेकिन भगवान जो है जन्म लेकर आते हैं, अवतार लेकर आते हैं साधुओं का रक्षण करने के लिए, असुरों और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। और अगर भगवान के इस दिव्य कर्मों को और दिव्य जन्म को कोई जान लेता है तो उसको फिर से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः तक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो हम भी अगर भगवान के इस दिव्य जन्मोत्सव में मनाने के लिए भाग लेते हैं तो भगवान हमारे ऊपर भी विशेष कृपा करेंगे। और इस जन्माष्टमी बहुत ही विशेष है। इस जन्माष्टमी में वृंदावन से परम पूज्य श्रीमान गुड़ाकेश प्रभु जी हमें संग देने के लिए आ रहे हैं। तो इस जन्माष्टमी 5:30 बजे मंगला आरती होगा, उसके बाद 7:30 बजे भगवान का श्रृंगार आरती होगा, 8 बजे से श्रीमान गुड़ाकेश प्रभु जी के द्वारा कृष्ण कथा सुनाई जाएगी, उसके बाद पूरा दिन कीर्तन चलेगा, शाम को 6 बजे से भगवान की संध्या आरती, 7 बजे से गुड़ाकेश प्रभु जी का प्रवचन होगा, और उसके बाद बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस है, अप्सरा डांस एकेडमी के द्वारा जो है विशेष परफॉर्मेंस किया जाएगा, उसके बाद ड्रामास भी हैं, और फिर भगवान का जो है अभिषेक होगा, फिर सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद का भी व्यवस्था है, और रात को 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव भी होगा। तो हम आप सभी भुजवासियों से विनती करते हैं कि कृपया इस विशेष महोत्सव में भाग लेने के लिए ज़रूर पधारें। हरे कृष्ण।